हेलो बच्चों बच्चों, क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों, हमें इन नंबर्स के स्क्वायर रूट की वंस डिजिट फाइंड करनी है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, तो चलिए फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, हम इस क्वेश्चन को एक चार्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस चार्ट में देखिएगा, वन का स्क्वायर रूट होता है वन, और वन का स्क्वायर भी होता है वन, और फोर का स्क्वायर रूट होता है टू, और टू का स्क्वायर होता है फोर, नाइन का स्क्वायर रूट होता है थ्री, और थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट होता है फोर, और फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन। बच्चों, ऐसी चार्ट में नीचे तक दिया गया है। ओके, चार्ट के लेफ्ट साइड में दिए गए हैं स्क्वायर, और राइट साइड में दिए गए हैं उनके स्क्वायर रूट। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, जिन भी नंबर्स की वंस डिजिट वन होती है तो उनके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट भी वन होती है, और बच्चों जिन भी नंबर्स की वंस डिजिट फोर होती है तो उनके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट टू होती है। ओके, और बच्चों जिन भी नंबर्स की वंस डिजिट नाइन होती है तो उनके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट थ्री होती है, और बच्चों जिन भी नंबर्स की वंस डिजिट सिक्स होती है तो उनके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट फोर होती है। ऐसे ही आप चार्ट को नीचे तक समझ सकते हैं। ओके, तो बच्चों हम इस चार्ट का यूज करेंगे, और इसी चार्ट की हेल्प से हम इन नंबर्स के स्क्वायर रूट की वंस डिजिट को फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट नंबर लिखा है 9801। यहाँ पर देखिएगा, इस नंबर की वंस डिजिट वन है, और बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, जिन भी नंबर्स की वंस डिजिट वन होती है तो उनके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट वन भी हो सकती है और नाइन भी हो सकती है। ओके, तो हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं, वन एंड नाइन। ओके, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 99856। इसकी जो वंस डिजिट है वो क्या है, सिक्स। ओके, तो हम इस चार्ट में अब देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जिनके वंस डिजिट पर सिक्स है। एक तो 16 है और एक 36 है। तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है फोर, और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है सिक्स। यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई कि जिन भी नंबर्स की वंस डिजिट सिक्स होती है तो उनके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट या तो फोर होती है या फिर सिक्स होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर एंड सिक्स। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 9,98,001। इस नंबर की वंस डिजिट क्या है, वन, और जिन भी नंबर्स की वंस डिजिट वन होती है तो उनके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट या तो वन होती है या फिर नाइन होती है। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं। ठीक, तो हम यहां पर भी वन और नाइन लिख देंगे। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन की जो वंस डिजिट है वो है फाइव। ओके, तो बच्चों जिन भी नंबर्स की, यहां से देखिएगा बच्चों, जिन भी नंबर्स की वंस डिजिट फाइव होती है तो उनके स्क्वायर रूट की भी वंस डिजिट क्या होती है, फाइव। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा, फाइव। ओके, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व हो गया। ओके, बहुत सिंपल था, केवल आपको इस चार्ट का यूज करना है। ओके, और चार्ट बनाना बहुत सिंपल है, आप ऐसे बना सकते हैं, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन, फोर का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटीन, ऐसे आगे तक बना लीजिएगा। अब बच्चों हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके बच्चों, हम सेकेंड क्वेश्चन भी इसी चार्ट की हेल्प से करेंगे। ओके, तो इस चार्ट में देखिए, इस तरफ क्या दिए हैं, स्क्वायर्स दिए हैं, और इस तरफ उनके स्क्वायर रूट।
जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, ओके। और बच्चों ऐसे ही नीचे तक दिया हुआ है, ओके। और बच्चों अगर इस साइड से देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ऐसे ही नीचे तक दिया हुआ है। मीनिंग इस साइड में आपको दिए गए हैं स्क्वायर और इस साइड में दिए गए हैं उनके स्क्वायर रूट, ओके। और बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हमें विदाउट एनी कैलकुलेशन ये बताना है कि जो ये नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स में से कौन से ऐसे नंबर हैं जो श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। और ये सब हमें कैसे बताना है, बिना कैलकुलेशन किए, विदाउट कैलकुलेशन, ओनली देखकर, केवल देखकर बताना है, ओके। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों आपको इस चार्ट को देखकर क्या समझ में आ रहा है, बच्चों इस चार्ट में इस साइड में दिए गए हैं स्क्वायर्स और इस साइड में दिए गए हैं उनके स्क्वायर रूट। तो इस साइड को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो भी नंबर्स स्क्वायर होते हैं उनके वंस प्लेस पर 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, और जो नंबर स्क्वायर होते हैं उनके एंड में डबल ज़ीरोज़ आते हैं, 4 ज़ीरोज़ आते हैं, मतलब इवन ज़ीरोज़ आते हैं, ओके। तो बच्चों अब देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया है कि जो भी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके वंस प्लेस पर 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है और एंड में इवन जीरो जाते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस पर 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है और नंबर्स के एंड में इवन जीरो जाते हैं, मतलब 2 जीरोज़, 4 जीरोज़, 6 जीरोज़, ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। इनके अलावा जो नंबर्स बचे वो हैं 2, 3, 7, 8। तो बच्चों जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस पर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, वो कैसे होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों अब आप इन नंबर्स को देखकर इजीली बता सकते हो कि कौन से नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है और कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। तो बच्चों इस नंबर के वंस प्लेस पर क्या आया है, 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस पर 3 होता है वो नंबर्स कैसे होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस पर 7 आता है, ठीक है, तो वो कैसे नंबर्स होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 भी आता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और बच्चों जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस पर 8 आता है, ठीक है, वो भी नंबर कैसे होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और बच्चों जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस पर 1 आता है तो वो कैसे नंबर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ऐसी सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हों, श्योर नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही होंगे, ओके। अब बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।